नमस्कार दोस्तों, चारधाम यात्रा से जुड़ी एक अच्छी खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उत्तराखंड से बाहर के अन्य राज्यों के सभी यात्री अब चारधाम यात्रा कर सकते हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि उत्तराखंड से जुड़ी अन्य वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सके। दोस्तों, ये वीडियो आप जो देख रहे हैं ये पिछले साल का है, ये चोपता का है वीडियो। बर्फ पड़ी हुई थी, आप देख सकते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने तीर्थ यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। अब उत्तराखंड के अलावा दूसरे राज्य के तीर्थ यात्री भी अब चारधाम यात्रा के दर्शन कर सकते हैं। अभी तक ये यात्रा सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए खुली हुई थी। देश और प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों को सभी गाइडलाइन का पालन करना होगा। राज्य में प्रवेश करने से पहले सभी तीर्थ यात्रियों को ICMR से 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं। यदि किसी यात्री ने राज्य में प्रवेश करने से पहले कोरोना जांच नहीं कराई तो वह क्वारंटाइन की अवधि पूरी करने के बाद चारधाम यात्रा कर सकता है। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। अगर आप उत्तराखंड से जुड़ी कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा है मैं उसकी जानकारी आपको सही रूप से दे सकूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको जानकारी सही मिली है और फिर मिलते हैं अन्य वीडियो में आपसे।